हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपनी रसोई गीता की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं रोल, वेज रोल। ये देखिए बाहर दुकान पे कितने महंगे मिलते हैं, लेकिन इनको बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया था 2 चम्मच के करीब। अब मैंने ये लंबा लंबा थोड़ा प्याज काट लिया है, 2 मीडियम साइज के प्याज थे। इसमें आप जो भी वेजिटेबल ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। मेरे पास शिमला मिर्च, टमाटर है। अभी प्याज थोड़ा फ्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इनको ऐड करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज हल्के से गुलाबी रंग के हो गए हैं। अब उसमें मैं डालूंगी कैप्सिकम और टमाटर। आपको जितना बनाना है उस हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं क्वांटिटी। मेरे पास एक बड़ा शिमला मिर्च था, मैंने वो लिया है। और उसको हम हल्का सा नमक डाल देंगे ताकि ये अच्छे से जल्दी से पक जाए। और इसको कुछ देर के लिए 2 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये भी सॉफ्ट नहीं हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी सॉफ्ट नहीं हुए। कैप्सिकम थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए तब तक इसको थोड़ा सा और ढक देंगे 2 मिनट के लिए। इसको हल्का सा ये क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो गए हैं हल्के से सॉफ्ट। अब इसमें हम, ये मेरे पास थोड़े से कॉर्न और पनीर भी था, मैं इनको भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि बॉइल्ड है ना कॉर्न, तो इस वजह से इनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बॉइल्ड है तो इसमें ऐसे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और फिर मैं ले रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स हैं, चाट मसाला है और ये पीसी हुई काली मिर्च है, इनको डाल दें। जैसे जितना तीखा आपको पसंद हो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। कम ज़्यादा बच्चे खाएंगे तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा तीखा नहीं डाला है। अब इसमें 2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ टोमेटो केचप और थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें मेयोनीज। आपको जितना भी पसंद हो उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। मेयोनीज किसी को कम पसंद होता, ज़्यादा सॉस वही रहता है, तो मैं मीडियम डालूँगी, मैं ज़्यादा ना कम। इन सबको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब गैस को ऑफ कर देंगे। ये तैयार है। अब हम आगे इसका पराठा बनाएंगे, फिर उसका हम आपको रोल बना के बताएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको आटा बनाते टाइम वीडियो नहीं बना पाई, ये मैं बता देती हूँ। इस आटे में थोड़ा सा अजवाइन डाला है क्रश करके और हल्का सा नमक डाला है। और इसकी रोटी जितना हो सके आप उतनी पतली बनाएं। इसका पराठा सेक लूँगी मैं। ये मैंने तवा गर्म होने को रख दिया था, ये गर्म हो चुका है। इस पर मैंने डाल दिया इसको, इसका पराठा सेक लेंगे। और ये मैंने बटर घर पे बनाया हुआ है, मैंने इसकी रेसिपी डाली हुई है, आप लोग देख लेना। ये घर पे बनाया हुआ मलाई से निकाल के घी, फिर बटर बनाया हुआ है, इससे हम इसको सेक लेंगे। देखिए इधर से ही मैंने बटर लगा दिया, इस पर इसको हम ऐसे टर्न कर लेंगे और फिर इस पर बटर लगा देंगे। आपको जितना बटर पसंद हो उतना लगाएं, घी में चाहे तेल में चाहे जिसमें चाहे बना ले, अपनी पसंद है। मेरे पास बटर अवेलेबल था तो मैंने बटर लगा दिया। जैसा आप लोगों को पसंद है, अपने घर में जो सुविधा उस हिसाब से आप किसी भी चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने ये बना लिया है पतला सा पराठा। तो आपको जितना मेयोनी सॉस पसंद है उस हिसाब से लगा लें, क्योंकि उसमें हमने अंदर भी डाला है। फिर ज़्यादा मेयोनी या बहुत लोगों को पसंद नहीं होता, तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लें। और ये थोड़ा सॉस जाएगा इसमें। बच्चे हैं खाएंगे इसलिए मैंने ये नीचे उतार लिया है। आप चाहें तो इसको तवे पर भी स्टफ़ करके वहीं पर रोल बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा ठंडा चाहिए ना, जल्दी लगी हुई है, देख के ललचा रहे हैं, इसलिए मुझे नीचे उतार के ही बनाना पड़ा ताकि वो खा सके। और ये हमने इसमें डाल दिया स्टफिंग हमारी। और ये थोड़ा सा मैं इसमें चीज़ डाल देती हूँ घिस के। चीज़ क्यूब्स थी मेरे पास, बच्चों को बड़ा पसंद होता है, तो जितना आपके बच्चों को पसंद हो उस हिसाब से डाल लें, थोड़ा या ज़्यादा। अब देखिए हम इसको ऐसे रोल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा वेज रोल। ये देखिए अंदर इसके स्टफिंग और ये सॉस। आप चाहें तो यूज़ करें, नहीं करें, ये अच्छा लगेगा सॉस के बिना, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सॉस है।
आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।